हेलो गाइस, वेलकम टू द सोलो रैंक पुश वीडियो में। एंड आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सोलो में रैंक पुश करना। आई नो गाइस कि मैं एक वीक लेट हूँ रैंक पुश के लिए, बट आई ट्राई माय बेस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड या गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि मैं आपको सोलो रैंक पुश के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहूँगा। तो गाइज, मेरे सामने जो बंदा रहता है उसे इजीली मैं एसएलआर से मार देता हूँ। एंड ऊपर एक और बंदा रहता है जो काफ़ी देर से फुटस्टेप दे रहा था। अब गाइस, एक बंदा नीचे से पुश करता है, लेकिन मैं उसी को पुश करता हूँ। अब ये बंदा काफी देर से जंप कर करके कंफ्यूज करता है। अब फाइनली इस बंदे की पेटी डाल ही देता हूँ। अब गाइस, इस बंदे को देखिए, पता नहीं कौन से नशे कर रहा था। अब मैं इस बंदे की इतनी तेज जा जाता हूँ, पर ये बंदा कोई रिएक्शन ही नहीं देता है। अब मुझे सामने से एक और फुटस्टेप आता है। एंड यहाँ पे मैं गलती कर देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस में चौड़ से इस बंदे पे पुश कर देता हूँ। एंड यहाँ पर मेरी पेटी बन जाती है। एंड गाइस, मैं बंदे को ढूंढ ही रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पर बगी दिखती है। मुझे पता था कि यहाँ पर कोई ना कोई तो कैंप कर ही रहा होगा। मुझे एक बगी भी चाहिए थी, तो मैं इसे लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। अब ड्रॉप के पास मुझे एक बंदा दिखता है। एंड गाइस, यह बंदा इतना डीट था कि मरने का नाम ही नहीं लेता। अब मैंने जिस बंदे की बगी चुराई थी, वो बंदा मेरे पे शॉट्स लेता है, लेकिन पहले इस कारपेट वाले बंदे को पकड़ते हैं। अब इस बंदे की पेटी डाल के मैं लूट कर ही रहा था कि ऊपर से एक और बंदा मेरे पे फायर करता है, तो चलो इसे भी पकड़ते हैं। अब गाइस, मैं यहाँ से निकल ही रहा था कि एक यूएस वाला बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है। अब इस बंदे से फाइट करने के लिए मैं एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ। अब
पता नहीं ये बंदे को क्या याद आ जाता है कि ये बंदा सीधा ब्रिज की तरफ भाग जाता है। अब गाइस इस बंदे की पेटी डाल के मैं आ जाता हूँ सीधा मिलिट्री बेस। अब ये देखना मेरे साथ क्या ही सीन होता है। अब ये बंदा मेरी बगी का टायर फोड़ देता है और मुझे पता ही नहीं चलता है कि ये बंदा कहाँ से मार रहा है। अब जल्द ही मैं कारपेट निकालता हूँ और चला जाता हूँ इस बंदे को ढूंढने। अब इस बंदे के साथ फाइट देखना, क्या ही फाइट होने वाली है। बंदा भागने की कोशिश करता है और मैं सीधा इस पे रश कर देता हूँ। अब गाइज ये फाइट आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अब कारपेट लेके मैं आ जाता हूँ फिर से बंदे ढूंढने के लिए एंड मुझे यहाँ पर एक यूएस दिखती है।
एंड गाइज, हमेशा बंदे पे पुश करने से पहले थ्रो बेल्स का यूज़ करो। आप देख ही सकते हो कि ये बंदा कितना ज़्यादा पैनिक होकर इधर से उधर भागने लगता है। अब ये बंदा पैनिक होकर खुद ही रश कर देता है एंड फिर क्या, इसकी पेटी बन जाती है। We are number one.